Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss stress management. So what is stress and how to manage it? I will discuss in detail. सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करें. जब भी आपकी बॉडी में कोई टेंशन होती है, कोई प्रेशर पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस, वर्क की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट का हो सकता है, या आपके अंदर इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है. आपकी कुछ डिमांड्स हों या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हों जो आपने अपने ऊपर रखी हों और जब आप पूरी ना कर पाएँ, या सेल्फ क्रिटिसिज्म हो, तो उसके बेसिस पे जो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस. और फिर आप उसको कोप ना कर सकें. अगर आप उसको कोप कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं है. अगर आप उसको कोप नहीं करते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस प्लेजेंट भी होता है, स्ट्रेस अनप्लेजेंट भी होता है. यानी कि स्ट्रेस का फ़ायदा भी होता है और स्ट्रेस के नुकसान ज़्यादा होते हैं. अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं तो फिर आप उस सिचुएशन में उस काम को बेहतरीन करते हैं, और अगर आप नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आपको वो काम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है. उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है. हर एक, जैसे हम इंसान हैं, हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग है. तो जब आप सोचते हैं और ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिएक्शन आपकी जो बॉडी पे आता है, हर इंसान का अलग अलग होता है. स्ट्रेस डैमेज करता है इंसान को, और स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं. अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉसेस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं स्ट्रेस की. फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि पैसे का मसला हो सकता है. कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप अच्छे ना बन रहे हों, चाहे वो पेरेंट्स से हों, चाहे वो आपके अपने फैमिली से हों, चाहे हस्बैंड से हों या वाइफ से हों या किसी से भी. हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर लाइफ चेंजेस हो जाए, एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ड्रास्टिकली चेंज हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो गया. कोई किसी इंसान को लॉस कर दिया हो, कोई किसी की डेथ हो गई हो, कोई आपसे दूर चला गया हो, या सोशल प्रेशर्स की वजह से भी, या अकेडमिक स्ट्रेसेस भी होते हैं. तो डिफरेंट कॉज होते हैं स्ट्रेस के, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है, इनसिक्योरिटी होती है. इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और उस पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है. उसको जॉब ना मिलने का स्ट्रेस हो सकता है, वर्क ओवरलोड का हो सकता है, वर्क अंडरलोड का हो सकता है, यानी कभी काम ज़्यादा मिलने पे भी हो सकता है, काम ना मिलने पे भी हो सकता है. आपकी रेस्ट प्रॉपर नहीं है, टेक्नो स्ट्रेस हो सकता है. टेक्नो स्ट्रेस जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना बेहतर तरीके से, जैसे जैसे हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसका प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो ये टेक्नो स्ट्रेस भी होता है लोगों में. उदासी हो सकती है, अकेलेपन का हो सकता है, या कोई फैमिली में बीमार हो सकता है, या खुद को भी डिजीज़ हो सकती है, खुद की डाइट ख़राब हो सकती है, उसके नतीजे में भी आपको स्ट्रेस होगा. डर हो सकता है किसी चीज़ से, आपको ना उम्मीदी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, या आपकी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, या एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने आप से बहुत ज़्यादा हैं. तो इन सब कंडीशंस में आपको स्ट्रेस होता है. सिम्टम्स की बात करें तो इसके फिज़िकल सिम्टम होते हैं, मेंटल सिम्टम होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स होते हैं. वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, सारा सारा दिन थका थका महसूस करेगा, खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो जाएंगी. स्ट्रेस की वजह से किसी किसी का वेट गेन भी होता है, किसी किसी का वेट लॉस भी होता है. उसकी जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाती है, सेक्सुअल ड्राइव लॉस हो सकती है, स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, हर टाइम जो है कांपता है मरीज, सर दर्द रहता है, हाथ और पाँव में सनसनाहट महसूस करता है, सांस जो है ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, हार्ट बीट उसको कभी बहुत ज़्यादा लगे या कभी कभी उसको बिल्कुल ना महसूस हो, पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, और उसके नतीजे में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. देन मेंटल सिम्टम्स की बात करें जो ब्रेन से रिलेटेड है, जब भी बंदा स्ट्रेस में होगा, कंसंट्रेशन में उसकी कमी होगी, उसको याद करने में बहुत ज़्यादा मसले होंगे, कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें मुश्किल होगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेगा, डिसऑरिएंटेड रहेगा, और पैनिक अटैक भी इस तरह के पेशेंट को आ सकते हैं.
देन बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें, जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं, एपेटाइट चेंजेस, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा या बहुत कम खाएगा, उसके नतीजे में एनोरेक्सिया नर्वोज़ा या बुलिमिया नर्वोज़ा ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। अगर अल्कोहल या का यूज़ है तो वो ज़्यादा बढ़ा सकता है, या डिफरेंट मेडिकेशंस हैं उनका यूज़ करेगा, या स्मोकिंग कर सकता है। और अगर कोई गंदी चीज़ें खाने की आदत है, पान छालिया और स्मोकिंग वगैरह, तो उसका इनटेक बढ़ा देगा, हर टाइम अपने नेल को बाइट करता रहेगा, और हर टाइम जो है वो रेस्टलेसनेस उसको महसूस होगी, तो वो रिलैक्स नहीं होगा। हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है, जिसमें मरीज़ को लगता है कि मैं बीमार हुआ तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, ये मेरी जो डिज़ीज़ है ये बहुत, इसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। इमोशनल सिम्टम्स में देखें तो इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले इम्पेशेंट हो जाता है इस तरह का इंसान, हर टाइम रोता रहेगा, हर टाइम जो है इरिटेटेड रहेगा, डिप्रेशन के मूड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी पर्सनल हाइजीन या पेरेंट्स ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिटोरिएट आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, पेशेंट जो है अगर जॉब कर रहा है तो एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी छुट्टियां करना स्टार्ट हो जाएगा, या काम कर भी रहा है तो उसका माइंड एब्सेंट होगा, बर्न आउट हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी, इरिटेबल बहुत ज़्यादा रहेगा, मस्कुलर टेंशन ज़्यादा रहेगी, और जितने भी अल्कोहल यूज़ है, ड्रग यूज़ है, या शुगर यूज़ है, निकोटीन या कैफीन वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से उसकी जो फिज़िकल हेल्थ भी है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस है ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो ब्रेन के अफेक्ट करने के वजह से फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाना होना स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी से लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं आपको हेल्दी रखने के लिए, जिसकी वजह से अगर वो एब्सेंट हो जाए तो बहुत सारी डिजीज़ आप पे अटैक कर सकती हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोई फिजिकल डिजीज़ भी हो सकती है इसकी वजह से। देन हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चेंजेस क्या हो सकते हैं। फ़ाइट और फ्लाइट पर रिस्पॉन्स करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो जब भी स्ट्रेस होता है तो फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो आर्टीरियल सिस्टम पे जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है या चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे पेशेंट को बीपी का मसला हो सकता है, हार्ट रेट चेंजेस हो सकते हैं, कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, तो कोई भी डिजीज़ के, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू आ सकते हैं। इस तरह के पेशेंट को खाना या तो अच्छा नहीं लगता है, ये एक्स्ट्रा खाना खा रहा होगा, स्टमक उसका डिस्टर्ब हो जाता है, नौजिया हो जाता है, अल्सर्स हो सकते हैं, कोलाइटिस हो सकता है, तो बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, और ये ट्यूमर में भी डेवलप हो सकते हैं जो केमिकल चेंजेस हैं, और ये तब होगा जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहेगा। अगर पेशेंट काफ़ी सालों से है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। साइको न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे में देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत जल्दी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है वो केमिकल चेंजेस को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कॉर्टिसोल और ACTH हार्मोन है वो, उनका जो रिलीज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड थक जाते हैं, थायराइड हार्मोन की मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, वेट लॉस और वेट गेन भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि इंसुलिन एब्सेंस होगी या उसका इंक्रीज बढ़ जाएगा। जब इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा, इम्यून सेल्स कम हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, वायरस आपकी बॉडी में ज़्यादा आ सकते हैं, और जो वायरस जल्दी जल्दी आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, और कैंसर फिर बहुत जल्दी इस तरह के मरीज में फैल सकता है। देन हम बात करते हैं ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऐसे पेशेंट के ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन ही स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। जब आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो फिर आपकी ब्रेन पे भी अफेक्ट करते हैं। सेरेब्रल हैमरेज, स्ट्रोक, एनोरिज्म, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। एमिग्डाला जो आपकी इमोशन फेयर्स को कंट्रोल करता है, और हिप्पोकैम्पस जो आपकी मेमोरी फंक्शन को कंट्रोल करता है,
होता है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, न्यूरॉन्स की एट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी जो आपके बॉडी वेट पे अफेक्ट करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके अगर यही स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहे, एक्सट्रीम रहे, तो ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। और ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो आपको पता है कि ब्रेन के सेल हमेशा परमानेंट डैमेज होते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्ट्रेस की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उसमें कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम डिजीज़ है, आस्थमा है, डायबिटीज़ है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, अल्सर्स हैं, स्किन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें सोरियोसिस है, हेडेक है, माइग्रेन है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और डिप्रेशन है। ये सब डिजीज़ स्ट्रेस की वजह से होती हैं, यानी जिस बंदे को स्ट्रेस होगा उनमें ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हमने देखा कि स्ट्रेस होता किस वजह से है, होता क्यों है और क्या क्या हो सकता है जिस जिस बंदे को स्ट्रेस हो, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे मेन, सबसे अहम बात, क्योंकि स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई एज से लिंक नहीं, बड़ों को भी हो सकता है, छोटों को भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, तो इसके मैनेजमेंट पे काम करना सबसे अहम बात है। सबसे पहले जिसको भी स्ट्रेस हो रहा है, सेल्फ़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो तो आपका जितना अपने आप पे कंट्रोल होगा आप उतना स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं। आपने अपना सेल्फ कंट्रोल वापस लेना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है। जब भी आपका ब्रेन कोई नेगेटिव बात सोचने लगे तो आपने उसी टाइम उसको रोकना है। अपनी ख़राब हैबिट्स को, सारा दिन लेटे रहने की, सारा दिन सोचते रहने की, उन सब हैबिट्स को ख़त्म करें, अपने लिए कोई फ्री टाइम निकालें, कोई फ़न का टाइम निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज करें, आप सुकून से सोएं, आप मेडिटेशन करें, आप म्यूज़िक सुने, आप किसी बच्चों के साथ या आपके घर में पेट्स हैं उनके साथ खेलें। तो अपने लिए कोई ना कोई हॉबी सेलेक्ट करें जिसमें आप हैप्पी रह सकें, आप महसूस करें कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो। इसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर वन पे एनालिटिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें गोल क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं। अपने आप को जो सोचने का तरीका है उसको चेंज कर रहे होते हैं, साथ साथ कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे होते हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेस दे रहा है तो उसको चेंज कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी हम रह रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक दो दिन, दस दिन, जितने दिनों के लिए आप चेंज कर सकते हैं आप उसको चेंज करके देखते हैं। एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं या स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके साथ साथ आप कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, डांस कर सकते हैं, टाई काई कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। तो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में। देन एस्थेटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में, as the name shows, aesthetic related है, तो उसमें आप art and craft की कोई activities कर सकते हैं, कोई painting हो सकती है, calligraphy हो सकती है, collage making हो सकता है, कोई decorative arts हो सकता है, कोई इस तरह का aesthetic work कर सकते हैं जिसमें आपका brain involve होना start हो जाए। कोई hobbies select कर सकते हैं, dancing कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मेडिटेशन विद म्यूज़िक कर सकते हैं आप। अवेयरनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप बायोरिदम या बायोफीडबैक के ज़रिए भी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। थेरापोटिक मसाज ले सकते हैं, फुट एंड हैंड मसाज ले सकते हैं, रिलैक्सेशन मसाज ले सकते हैं, जेन ब्रीथिंग या डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं। जेन ब्रीथिंग में क्या आप ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को उससे हेल्दी करने की कोशिश करते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, वार्म बाथ्स ले रहे होते हैं, अरोमा थेरेपी करते हैं, कलर थेरेपी कर सकते हैं। ऑल्टर्ड अवेयरनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कह रहे होते हैं अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं। जब आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट करते हैं तो उसका भी आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम सारा दिन अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो लोग क्या करेंगे।
लोगों को जो काम है वो करने दें, अपने आप को सिर्फ टॉक पॉजिटिव टॉक करें, अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं अपने आप को बेहतरीन जगहों पे ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल सके। अल्लाह ताला से आप अपना कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं, गॉड से कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, या आपका जो भी रिलीजन है आपने गॉड से जितना कनेक्शन स्ट्रांग करते हैं उतना स्ट्रेस आपकी लाइफ में कम से कम होता जाता है। एटीट्यूडनल चेंज स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को देखना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, सोशल सपोर्ट जहाँ चाहिए वो लेते हैं, जहाँ आपको दोस्त चाहिए फैमिली चाहिए वहाँ से सपोर्ट लेते हैं, या डॉक्टर की आपको नीड है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने आप को अकेला नहीं रखते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से खाने हैं जिनको अवॉइड करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कैफीन आ जाता है। यानी जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, या कोला, कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनको आपने अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल हो गए, शुगरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मीठा हर चीज़ में होता है जिन में केक्स, बेकरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर ज़्यादा होती हैं तो उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। रेड मीट हो गया, पोल्ट्री होगी, उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। मतलब आप खा सकते हैं लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव इस्तेमाल है तो प्रॉब्लम है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आप अगर आप एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए इस्लाम में है कि आप जो है पेट भर के खाना ना खाएं। खाना प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा खाना प्रॉब्लम है इस चीज़ों का। गंदम या गंदम से रिलेटेड जो वाइट आटे का बना हुआ होता है, ग्लूटेन और ग्रेन्स होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। एडिटिव्स जो होते हैं उनको मत लें अपनी ज़िंदगी में। अब वो कौन से फूड्स हैं जो आपका स्ट्रेस कम कर रहे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ें जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जिसमें बेरीज हैं, पाइन एप्पल्स हैं, एप्पल्स हैं, और इवन आप डार्क चॉकलेट भी आपका स्ट्रेस कम करती है। लेकिन चॉकलेट आपका स्ट्रेस बढ़ाती है तो आप डार्क चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस कम होगा। पोटैटोज़ हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हो गए, या दालें हैं, राइस पास्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट। इसके अलावा सीड एंड नट्स हैं जो आपके पास अल्लाह ताला ने सारे ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, उनका इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें। पानी सबसे अहम है, जितना साफ पानी पियेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो पानी का इस्तेमाल करें। साथ साथ जिन लोगों को स्ट्रेस होता है विटामिंस इनटेक अपना अच्छा रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, विटामिन ए, ई, सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, कैल्शियम फास्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, विटामिन B5 का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जितना विटामिन ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेस कम होगा। देन हम बात करते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर्स की। एनजाइटी क्या है? फियर एंड एनजाइटी। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जब भी आपकी बॉडी किसी डेंजर में जाती है, कोई भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से बॉडी को डर लगता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर यही नॉर्मल रिएक्शन हद से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए और ये ख़त्म ना हो तो ये एनजाइटी में चेंज हो जाता है, जिसकी बेसिस पे मरीज़ को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, शेकनेस स्टार्ट हो जाती है, हर टाइम कांप रहा होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है, उसके हाथों पाँव मुँह में सुनपन स्टार्ट हो सकता है, चूंटियाँ चलती हुई महसूस हो सकती हैं, उसको लगेगा अभी मैं गिर जाऊँगा, उसकी जो आँखें हैं, जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट में या यूरिनरी डिस्टर्बेंस हो सकती है, डायरिया या यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अक्सर आपने लोगों से सुना नहीं है जब भी उन्हें स्ट्रेस होता है तो उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, या वो खा नहीं पाते हैं या एक्स्ट्रा खाते हैं, क्योंकि दोनों सिस्टम है GIT एंड यूरिनरी डिस्टर्बेंस दोनों हो जाती है। अब हम देखें एनजाइटी डिसऑर्डर्स किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है DSM IV के हिसाब से,
पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह के मरीज़ को कभी भी अटैक हो सकता है, फोबियाज हो जाते हैं, डर लगता है किसी ना किसी चीज़ से, ऊपर से गिरने का फोबिया हो सकता है, किसी एनिमल से फोबिया हो सकता है, अंधेरे से फोबिया हो सकता है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, या पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, किसी ट्रॉमा के बाद, किसी इंसिडेंट के बाद उसको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाए, या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। ये जितने भी एनजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनका मसला जो है, ये सारे रिलेटेड होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, तो आपको मेंटल हेल्थ ठीक करने की ज़रूरत है, ये सारे डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ एनजाइटी हम इसमें देंगे, तो आपकी जब भी एनजाइटी होगी किसी भी मरीज़ को, उसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है गाबा जो की एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, सेरोटोनिन उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और नॉरएपिनेफ्रिन उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या ब्रेन के रैपी न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, वो सब एरियाज डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे जब भी किसी को भी एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। या जो लोग कैफीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, कोई ड्रग एब्यूज़ है, पान छाल या कोई इंटेक है, या कोई इस तरह की चीज़ का इंटेक है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है किसी को, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया है, या कार्डिक एरिदमिया है, या एनीमिया है, या कोई पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी भी मरीज़ को हो रहे हैं जो एंजाइटी या स्ट्रेस से सिमिलर हैं, और वो लॉन्ग टर्म है यानी कि रेगुलर बेसिस पे रह रहे हैं, तो उसको चाहिए उसका ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर के पास जाए ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, ट्रीटमेंट मेडिकेशंस हैं, साइकोथेरेपी है, और सेल्फ हेल्प है। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.